सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। और आज हम लोग जो है उसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे। हम लोग की ये क्लास दोस्तों रागा की क्लास है और रागा की क्लास में हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों जो बच्चे आज नए जुड़े होंगे बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप धीरे धीरे पिछली क्लास देखिएगा, उसमें आपकी मैराथन क्लास में हमने कई चैप्टर खत्म किए हैं, जैसे कि आपका डायरेक्शन चैप्टर हो गया, क्लॉक चैप्टर हो गया, कैलेंडर चैप्टर हो गया और उसी तरह दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हो गया। तो ये सारे चैप्टर हमने पढ़ाए हैं दोस्तों, लेकिन परेशान मत होइएगा, आपको फिर से मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आज का जो चैप्टर है हमारा, बार बार इसमें से एक प्रश्न दोस्तों जरूर बनता है और आज का जो चैप्टर है दोस्तों रैंकिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो रैंकिंग है और रैंकिंग का मतलब दोस्तों क्रम व्यवस्था। तो क्रम व्यवस्था पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है एक बार जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए और एक बार जय हिंद लिखिए सब लोग, एक बार सब लोग जय हिंद लिखिए। आशीष, पंकज, मोहित, अभिषेक, सुरेश, नितिन, सभी लोग एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। और हमने कहा दोस्तों कि क्या कहा सुनिएगा, एक बार एक थोड़ा सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल से क्या कहा सुनिएगा, हौसलों ने मंजिल से क्या कहा सुनिएगा। ऐ चल झूठी इतनी तेरी औकात नहीं, ऐ चल झूठी इतनी तेरी औकात नहीं। मतलब कि जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी इतनी औकात नहीं, मतलब कि क्या कहा हमने फिर से सुनिएगा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मतलब हौसला रखिए दोस्तों, और हौसला अगर हार गया तो जान लीजिए कि आप हार जाएंगे। तो वही चीज है दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसले ने क्या कहा मंजिल से, चल झूठी तेरी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों उसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे रैंकिंग चैप्टर की। और रैंकिंग में बहुत आसान है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आपके सिलेबस में अर्थात एयरफोर्स में जो पूछा जाता है रैंकिंग से दोस्तों, तीन टाइप आपका रैंकिंग का बनता है। जी हाँ दोस्तों, तीन टाइप आपके रैंकिंग में पूछा जाता है दोस्तों, टाइप 1, 2, 3। और पढ़ाने को तो मैं आपको पढ़ा दूं दोस्तों, 7 टाइप 8 टाइप है टोटल, जो कि आपका बैंक SSC लेवल तक का जाता है। फिर तो इसलिए चूंकि हम लोग देखिए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, थंबनेल में भी देखे होंगे दोस्तों एयरफोर्स स्पेशल, तो इसलिए दोस्तों हम ये तीन टाइप पढ़ेंगे और तीनों टाइप आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको PDF दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पर PDF दूंगा, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको PDF मिलेगी दोस्तों। प्रैक्टिस करिए, यहां पर पढ़िए, नियम देखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, कोई प्रश्न हो दोस्तों आप भेजिए, और आपका कोई डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा दोस्तों, जब क्लास खत्म हो जाए तो अपना डाउट लिखिएगा, मैं वो डाउट देखूंगा कौन से बच्चे का क्या डाउट है तो फिर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक रैंकिंग चैप्टर। और रैंकिंग चैप्टर में सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा क्या, सुनिए भाई, रैंकिंग अगर किसी को बैठाना है तो आप दो तरीके से बैठा सकते हैं, या तो आप लेफ्ट टू राइट बैठा सकते हैं, या तो आप अपर टू लोअर बैठा सकते हैं। क्या इस दो के अलावा क्या कोई तीसरा तरीका है बैठाने का? या तो आप किसी को पंक्ति में बैठा सकते हैं दोस्तों, या तो आप किसी को कॉलम में बैठा सकते हैं। क्या इस दो के अलावा और किसी तरह से आप बैठा सकते हैं? बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा दोस्तों, लाइक करते रहिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो, जहां पर अच्छा लगे दोस्तों वहां पे लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, या तो आप लेफ्ट टू राइट बैठा लेंगे, या तो आप अपर टू लोअर बैठा लेंगे। अगर अभी मैं बात करूं, इसको मैं मिटाल दे रहा हूं अभी कुछ देर के लिए, ABCDEF हमने ले लिया दोस्तों, और कह दिया जाए इस सी को, कह दिया जाए दोस्तों ये लेफ्ट से कैसरे नंबर पर है, देखिए पहले दूसरे तीसरे, लेफ्ट से तीसरे नंबर पर है, या बाएं सिरे से तीसरे नंबर पर है, और सी दोस्तों दाएं सिरे से 1, 2, 3, 4, यानी कि दाएं सिरे से चौथे नंबर पर है। और कोई पूछ ले दोस्तों कि इसमें टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं दोस्तों, तो कुछ लोग सोचेंगे तीन ये है चार ये है, अर्थात टोटल 7 लोग हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, चलिए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल तो 6 ही लोग हैं दोस्तों, अर्थात ये एक लोग कैसे बढ़ गए,
एक लोग कैसे बढ़ गए दोस्तों, तो आइए हम बताते हैं कि एक लोग कैसे बढ़ गए। भाई जब हम इधर से गिन रहे थे तो इधर से गिने 1 2 3, हमने कहा लेफ्ट से 3। फिर दोस्तों हम इधर से गिने तो कहे 1 2 3 और 4, अर्थात राइट से 4। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि सी को हमने कितनी बार गिना दोस्तों, सी को हमने 2 बार गिना। इसका मतलब याद रखिएगा दोस्तों, टोटल बराबर जो होता है वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। टोटल बराबर दोस्तों क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, अर्थात दोनों जोड़कर 1 घटा दीजिए दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और मजा आए दोस्तों तो जय हिंद लिख करके लाइक जरूर करिएगा। जब आप जय हिंद लिख करके लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमने क्या कहा दोस्तों कि लेफ्ट से जब जोड़ा हमने तो 3 आया, राइट से जोड़ा तो हमने 4 आया। हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि सी को हमने 2 बार काउंट कर लिया, सी को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसीलिए हमने दोनों जोड़ करके 1 घटा दिया, अर्थात आपको टोटल संख्या मिल जाएगी। उसी तरह दोस्तों अगर हम अपर टू लोअर की बात करें, सुनिएगा, अगर हम अपर टू लोअर की बात करें तो देखिएगा, अगर हम अपर टू लोअर की बात करें जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, चलिए हम डी को ले लेते हैं दोस्तों। डी का क्रम ऊपर से अर्थात यू से अपर 1 2 3 4, ऊपर से 4 है दोस्तों और नीचे से 1 2 3 4, अर्थात नीचे से दोस्तों या डाउन से या फिर लोअर से चाहे जो कर दीजिए आप, चौथे नंबर पर है तो आप वही चीज 4 प्लस 4 यानी कहेंगे कि 8 लोग हैं। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 ही लोग हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, वही चीज जो चीज नीचे हुआ वही ऊपर भी हो रहा है। मतलब जब दोस्तों हम ऊपर से आ रहे थे तो हमने डी को 1 बार काउंट कर लिया, फिर जब हम नीचे से जा रहे थे 1 2 3 4, तब भी डी को काउंट कर लिया। अतः हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, डी को हमने 2 बार काउंट किया। क्या किया, डी को हमने 2 बार काउंट किया और इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, टोटल बराबर अपर प्लस लोअर माइनस 1। तो परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों, चाहे ऊपर से कहे ऊपर नीचे दिया हो, चाहे लेफ्ट राइट दिया हो, कुछ नहीं करना, दोनों जोड़ करके 1 घटा दीजिए आंसर आ जाएगा, दोनों जोड़ करके 1 घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक प्रश्न देते हैं, देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं दोस्तों। प्रश्न क्या है सुनिएगा, रमेश का बाएं से स्थान 12वां तथा दाएं से 14वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। मैं देखता हूं कि क्या आप बता पाते हैं दोस्तों नहीं। अभी मैंने रूल बता दिया, नियम बता दिया कैसे करना है, 1 सेकंड, बिल्कुल 1 सेकंड क्या दोस्तों, कम से कम 6 सेकंड लगेगा, 5 से 6 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों। मुंह जवानी कलम उठाने की जरूरत नहीं है, कमेंट करिए। तो हाँ बिल्कुल देख रहा हूं, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया दोस्तों, कमेंट करिए आप लोग, देखता हूं क्या आप लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग, एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। क्या ये 12 है दोस्तों और ये 14 है दोस्तों, दोनों जोड़ दीजिए, 12 दूनी 24 25 26 हो गया, और दोनों जोड़ करके 1 घटा दीजिए यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। मजा आई कि नहीं दोस्तों बताइए, मजा आई कि नहीं, अगर आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्या हुआ भाई, दोनों जोड़ करके 1 घटा दीजिए, बस दोनों जोड़ करके 1 घटा दीजिए, 12 14 कितना हो गया दोस्तों, 26 में से 1 घटा दीजिए, 25 आंसर आ गया। अगर आप सूत्र से करना चाहें दोस्तों तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट से 12 राइट से 14 माइनस 1 दोस्तों, तो इसको घटा दीजिए, 12 दूनी 24 1 25 आ जाएगा आंसर आ जाएगा। किसी को कहीं डाउट हो दोस्तों बताइए, किसी को कहीं डाउट हो दोस्तों बताइए। चलिए अच्छा एक प्रश्न और लेते हैं दोस्तों। रमेश का बाएं से स्थान क्या है यदि
वह दाएं से 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर है और पंक्ति में कुल 55 लोग हैं। चलिए देखते हैं, अगर आप इसको बताएंगे जान लेंगे कि आपको नियम एक समझ में आ गया दोस्तों। अगर आप इसको बता देंगे दोस्तों तो जान लेंगे टाइप वन आपके समझ में आ गया। और टाइप वन में कुछ नहीं है दोस्तों, टाइप वन में कुछ नहीं है। और मैक्सिमम कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, अगर दोस्तों जो चैप्टर में पढ़ा दिया हूं अगर उसमें से कोई भी प्रश्न फंस जाए दोस्तों, कोई भी प्रश्न ऐसा मिल जाए दोस्तों जो आपको ना आए, तो बता दीजिएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों कि आप हमारे साथ लगिए और निश्चित ही आपको केवल आप 2-3 दिन देखिए दोस्तों, 2-3 दिन में आपको यह पता चल जाएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, कहां पर समस्या हो रही है। अपनी समस्या हमको बताइए, मैं उसको सॉल्व जरूर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, रमेश का बाएं से स्थान क्या है, हमको बाएं से स्थान इसका निकालना है। यदि वह दाएं से 14वें नंबर पर है और पंक्ति में कुल 55 लोग हैं, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो अभी तक किसी ने जवाब नहीं किया दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा इसका जवाब। तो देखते हैं दोस्तों, सुनिएगा, हमने कहा दोस्तों अगर आपको लेफ्ट और राइट दिया रहे तो दोनों जोड़ करके एक घटा देंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको टोटल दिया रहे तो उसमें एक बढ़ा दीजिए, 55 है ना तो 56 कर लीजिए दोस्तों, 55 है तो 56 कर लीजिए और 56 में से 14 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 2 6 और 4 2 6 और 4 1 5। अर्थात बाएं से कौन से स्थान पर हो जाएगा दोस्तों, बाएं से 42वें स्थान पर हो जाएगा। अर्थात अगर आप सूत्र पर चलें दोस्तों, तो सूत्र क्या है सुनिएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल हमको दिए हैं कितना दोस्तों, 55। लेफ्ट कितना दिए हैं दोस्तों, लेफ्ट से हमको निकालना है, प्लस राइट कितना दिए हैं दोस्तों, 14 माइनस वन। अब देखिएगा दोस्तों, 55 बराबर एल प्लस 14 माइनस एक दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों, लेफ्ट बराबर 55 और ये प्लस 13 इधर जाएगा तो माइनस 13, या फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 1। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 42। तो दोनों चीज हमने बता दिया दोस्तों, सूत्र से कैसे करेंगे आप और डायरेक्ट मुंह जवानी कैसे करेंगे आप, केवल आपको कुछ नहीं करना, जो टोटल दिया गया है टोटल में एक बढ़ा दीजिए, 55 दिया गया 56 कर दीजिए, उसके बाद इसको घटा दीजिए। चलिए अच्छा एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों, एकदम सेम टू सेम इसी तरह, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं दोस्तों, एकदम इसी तरह है प्रश्न, सेम टू सेम यही प्रश्न है, केवल मैं अंक बदल रहा हूं, देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए, देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, बताइए दोस्तों देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। लिखा है रमेश का बाएं से स्थान क्या है, यदि वह दाएं से 22वें स्थान पर है और पंक्ति में कुल 42 लोग हैं, बताइए दोस्तों, देखता हूं कि आप लोग क्या जवाब देते हैं, बताइए दोस्तों। मजा आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब कुछ करिएगा। आपका अपना परिवार है द स्पीड स्टडी, आपका परिवार है दोस्तों, और आप अपने परिवार की मदद जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, अभिषेक, दीपक, आशीष, रौनक, ठीक है, बहुत सही जवाब है आप सबका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सुनिएगा, हमने कहा कुछ नहीं करना, टोटल में एक बढ़ा दीजिए, 42 है क्या कर दीजिए, 43, इसमें से इसको घटा दीजिए बस दोस्तों, तो 1 और 2 21 आ जाएगा आंसर। अगर सूत्र से करें दोस्तों तो सूत्र क्या है देखिएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो टोटल कितना है दोस्तों 42, लेफ्ट कितना है दोस्तों निकालना है, राइट कितना है दोस्तों 22 माइनस 1, यानी कि 42 बराबर लेफ्ट प्लस 21 हो जाएगा दोस्तों, 22 में से घटा दीजिए 21 हो जाएगा, या फिर दोस्तों लेफ्ट बराबर हो जाएगा 42 माइनस 21, तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा 21 दोस्तों, यही आ जाएगा आंसर। तो चाहे आप 5 सेकंड में लगाइए दोस्तों, चाहे आप 15 सेकंड में लगाइए, तो दोनों तरीका आपको मैंने बता दिया कि आप सूत्र से लगाना चाहे दोस्तों इस तरह लगेगा, अगर आप सूत्र से लगाना चाहे दोस्तों तो इस तरह लगेगा, और अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहे दोस्तों तो इस तरह लग जाएगा। मजा आएगी नहीं दोस्तों, बताइए। एक तो आपका ये है अगर लेफ्ट टू राइट रहे, एक आप देख लीजिए दोस्तों अगर ऊपर से नीचे रहे, देखिएगा दोस्तों एक कक्षा में कोमल का स्थान, एक कक्षा में
कोमल का स्थान ऊपर से 12वां है तथा नीचे से 14वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। मजा आई हो दोस्तों लाइक करिएगा इसका, बताइए। मैं देखता हूं कौन कौन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, बताइए कि कहां दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। इसका आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या होगा। बहुत आसान है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा दोस्तों, सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको जो टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है आप वहां पर भेज सकते हैं, वहां पर कोई प्राइवेसी नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर प्राइवेसी इसलिए लगाई गई है दोस्तों क्योंकि व्हाट्सएप पे लोग फालतू मैसेज करते रहते हैं, इसीलिए उसमें प्राइवेसी लगाई है, केवल एडमिन उस पर मैसेज कर सकता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, निश्चित ही वर्दी इस बार जरूर मिलेगी दोस्तों। झूठ से सच से जिससे भी यारी रखिए, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखिए, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखिए, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखिए। बात मन की कहें या वतन की कहें, बात मन की कहें या वतन की कहें, आप तो बस अपनी आवाज भारी रखिए, आप तो बस अपनी आवाज भारी रखिए। तो दोस्तों कहा गया है कि चाहे आप जिसकी बात करें, अगर आपकी आवाज में दम है, अगर आपकी आवाज में दम है दोस्तों, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी दोस्तों, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिएगा, एक कक्षा में कोमल का स्थान ऊपर से 12वां है, अर्थात ऊपर से दिया गया है 12 और नीचे से दिया गया है दोस्तों 14। तो कह रहा है कुल कितने छात्र हैं। हमने कहा दोस्तों अगर कुल निकालना हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए, दोनों जोड़ दीजिए तो 14, 10, 24, 25, 26 हो गया दो टोटल कर दीजिए, और एक घटा दीजिए दोस्तों अर्थात 25 आ जाएगा आंसर, 25 आ जाएगा आंसर दोस्तों। और अगर सूत्र लगाएंगे दोस्तों तो सूत्र हो जाएगा अपर प्लस लोअर माइनस 1। तो अपर है दोस्तों 12, लोअर है दोस्तों 14 माइनस 1, और इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा क्या दोस्तों 25। दोनों हमने बता दिया, बताइए आसान है कि नहीं दोस्तों, आसान है कि नहीं, कहीं दिक्कत है किसी को, कहीं दिक्कत है दोस्तों? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को किसी भी प्रश्न में डाउट हो दोस्तों तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पर बताइएगा, टेलीग्राम पर बताइएगा, जहां भी आप बताएंगे आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो ये आपने टाइप 1 देखा, और इसका जो है प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस के लिए आपको उस पर दे दिया जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, एकदम लोहा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम लोहा हो जाएगा दोस्तों। आइए टाइप 2 पर चलते हैं दोस्तों। टाइप 2 सुनिएगा क्या है। जैसे कह दिया जाए दोस्तों कि एक पंक्ति में रमेश बाएं सिरे से 12वां है और मोहित दाएं सिरे से 14वां है, तो दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, सुनिएगा दोस्तों। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब कह दिया जाए दोस्तों अगर भी सी को ले लें और कह दें कि सी का स्थान लेफ्ट से 3 है और एफ का स्थान दोस्तों राइट से 3 है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, और ये कह दिया जाए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ये बता दिया जाए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पंक्ति में कुल 8 लोग हैं, तो क्या प्रश्न बनेगा, सुनिएगा, पहले बात सुन लीजिए मेरी, समझ लीजिए, उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिएगा। यदि पंक्ति में कुल 8 लोग हों, यदि पंक्ति में कुल 8 लोग हों, सी का स्थान बाएं सिरे से 3रा हो और एफ का स्थान दाएं सिरे से 3रा हो, तो दोनों के बीच में कुल टोटल कितने लोग हैं, दोनों के बीच में कुल टोटल कितने लोग हैं। तो दोस्तों परेशान बिल्कुल मत होइएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ लीजिए दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद टोटल में से घटा दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट दोस्तों जोड़ करके टोटल में से घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा दोस्तों क्या 8 माइनस 3 और प्लस 3, यानी कि 8 माइनस 6 बराबर 2 दोस्तों, यही आ जाएगा आंसर। लेकिन दोस्तों अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान, लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से ज्यादा हो, लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से ज्यादा हो,
तब क्या होगा सुनिएगा दोस्तों। अच्छा आप ये बताइए दोस्तों, ये समझ में आए कि नहीं, ये चीज समझ में आए कि नहीं भाई, टोटल में से जब लेफ्ट और राइट को जोड़ करके घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा दोस्तों बीच में कितने लोग हैं। ठीक, अगर दोस्तों अगर अभी यही चीज रहता दोस्तों, और कह देता, क्या कह देता, यफ का स्थान 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट से छठवां है और सी का स्थान राइट से 1 2 3 4 5 राइट से पांचवां है, तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सूत्र लगाएंगे तो देखिए टोटल कितना है 8 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो 6 प्लस 5 यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस 11, अर्थात दोस्तों माइनस में आने लगा। तो वही बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपका लेफ्ट प्लस राइट का मान, सुनिएगा, अगर आपका लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से ज्यादा है, ये तो हो गया कब दोस्तों, ये हो गया जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम हो, ये तो हो गया दोस्तों जब लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम हो, मतलब जब हम लेफ्ट प्लस राइट जोड़े दोस्तों देख रहे थे 3 3 6 आ रहा था, टोटल हमारे पास 8 था, अगर टोटल से कम रहेगा तब तो ये वाला लगा देंगे, अगर टोटल से ज्यादा रहेगा दोस्तों तब क्या लगेगा सुनिएगा, तब क्या लगेगा भाई, देख रहे हैं हम क्या, हमने देखा दोस्तों टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया जाएगा, बस टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया जाएगा, टोटल है दोस्तों 8, तो एक मिनट रुक जाएगा दोस्तों, एक मिनट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -1, तो दोस्तों देखिए दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाएगा 6 5 11 माइनस दोस्तों टोटल कितना है 8 माइनस 1, तो दोस्तों 8 1 9 9 में से 11 यानी कि 2 2 आ जाएगा आंसर। तो दोनों चीज समझ में आया कि नहीं दोस्तों, दोनों फार्मूला लिख लीजिएगा दोस्तों, एक तो है जब आपका लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम रहेगा, अगर बीच में संख्या पूछी जाएगी दोस्तों तो या तो बीच में संख्या इस तरह हो सकता है, और या तो अभी जैसे हमने बताया था ये लेफ्ट से 3 और ये राइट से 3, तो या तो इस तरह होगा दोस्तों और या तो इस तरह होगा, दो ही तरीका है, या तो आगे से बीच में निकालेंगे या तो पीछे से बीच में निकालेंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट प्लस राइट का मान क्या है, जब लेफ्ट प्लस राइट का मान मिल जाएगा तो आप टोटल में से घटा दीजिए, अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से कम रहेगा, और अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से ज्यादा रहेगा दोस्तों तो उसको टोटल, मतलब कि लेफ्ट प्लस राइट के मान में से टोटल का घटा दीजिए और -1 कर दीजिए। बताइए दोस्तों किसी को कहीं दिक्कत है, किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों बताइए, कमेंट करिए, किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए, किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए, बताइए कि कहां समस्या हो रही है, किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिएगा। तो चले दोस्तों आगे चले, देखिएगा आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों, प्रश्न पर चर्चा करते हैं और प्रश्न देखिएगा, लिखा है दोस्तों एक पंक्ति में प्रश्न खोलते हैं दोस्तों, एक पंक्ति में कुल 20 लोग हैं, एक पंक्ति में कुल 20 लोग हैं और A का स्थान लेफ्ट से 12वां है और B का स्थान राइट से दूसरा है, तो बीच में कितने लोग हैं बताइए दोस्तों।
कमेंट करिए, देखता हूं दोस्तों कि समझ में आया कि नहीं। कमेंट करिए, देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा दोस्तों कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों हमने क्या कहा, कुछ नहीं करना, टोटल कितना है 20, और इसको अगर टोटल कर दे दोस्तों तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया दोस्तों, 12 और 2 14 हो गया। हमने कहा दोस्तों कि अगर इसका मान ज्यादा हो, इसका मान कम हो तो कुछ नहीं करना, 20 माइनस 12 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, और 20 में से 14 घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर आपका। अर्थात 20 लोग थे दोस्तों, 12 और 2 14 था ही हमारा, अर्थात बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे। किसी को कहीं दिक्कत है दोस्तों, किसी को कहीं दिक्कत है अगर सूत्र लगाना चाहेंगे तो कर सकते हैं दोस्तों, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। लेकिन अगर वही अगर भी उल्टा होता दोस्तों, उल्टा होने का मतलब यह है कि प्रश्न अगर यही रहता दोस्तों और कह देता कि ए का स्थान लेफ्ट से, ए का स्थान राइट से 8वां है और बी का स्थान लेफ्ट से 18वां है, तो पंक्ति के मतलब दोनों के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं, 18 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 8 16 26 हो जाएगा, अर्थात इससे ज्यादा हो रहा है। तो जब आपको इस तरह मिले दोस्तों, जब आपको इस तरह मिले तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों जोड़ करके एक घटा दीजिए। तो समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बताइए किसी को कहीं दिक्कत है। जब आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे, जो अगला टाइप है और इसमें का जो एक पार्ट बचा हुआ है, तो वो दोनों चीज हम कल चर्चा करेंगे और कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल आपको सीट दे दी जाएगी इसकी दोस्तों, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मजा आई हो दोस्तों, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई डाउट हो दोस्तों किसी भी चीज में जो मैंने पढ़ाया, अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट जरूर लूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।